मधेपुरा नाम का एक गांव था जहां पे एक कामचोर मछुआरा रहता था। इसका काम बस सिर्फ इतना था, खाना पीना और दिन भर सोए रहना, कुछ काम नहीं करना, बस यहां वहां घूमना और अपने बिस्तर पे दिन भर सोए रहना और बड़े बड़े ख्वाब देखना। इससे तंग आकर के उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। परेशान होने के बाद उससे गुस्सा सहा नहीं गया और अचानक ये कमजोर इंसान सारा दिन सोए रहता है, आज मैं इससे पूछती हूँ क्यों जी, आपको समझ में नहीं आता है, आप सारा दिन सोए रहते हैं, बिस्तर तोड़ते रहते हैं, कभी तो ऐसा हो कि आप कुछ कमा करके लेके आए ताकि हम लोग भर पेट खाना खा सकें। सारा दिन सोने से इस तरीके से जीवन नहीं चलेगा, क्या करें, मैं और मेरे बच्चे चले जाए काम करने के लिए, आप सारा दिन सोए रहिए आलसियों की तरह और बस हम लोग काम करने के लिए चले जाते हैं, मैं तो थक गई हूँ आपके इस हरकतों से आ करके। अपनी पत्नी की सारे बातें सुन करके मछुआरा को रहा नहीं गया और वो तुरंत ही घर छोड़ करके चला गया और वो निकल गया मछली पकड़ने के लिए। और वो सोच रहा था रास्ते में चलते चलते पता नहीं मछली पकड़ने के लिए, मगर पता नहीं मछलियाँ मुझे मिलेंगी कि नहीं, घर पे वापस आकर के मुझे क्या कहना पड़ेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो अभी तक 10 से 15 तालाबें देख ली मगर मुझे अभी तक कहीं भी मछली नहीं मिली। मैंने एक तालाब के बारे में सुना है जहाँ पे छोटी मछलियाँ के साथ साथ बड़ी मछलियाँ रहती है, चलो हम वहाँ पे चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं, मगर यहाँ पे भी अभी मुझे छोटी ही मछलियाँ दिख रही हैं, बड़ी मछलियाँ तो यहाँ पे है ही नहीं। मैंने सुना था यहाँ पे बड़ी मछलियाँ हैं, तो मैं कल ऐसा करता हूँ कि मैं कल आकर के देखता हूँ कि यहाँ पे बड़ी मछलियाँ हैं कि नहीं है। मगर ये कामचोर मछुआरे ने ये ध्यान नहीं दिया और अच्छे से उसने देखा नहीं कि छोटी मछलियाँ के साथ साथ बड़ी मछलियाँ भी हैं जो कि अंदर की तरफ में है। वो तो कामचोर था, उसे तो काम करना नहीं था, इसलिए आलसपन में उसने कुछ देखा नहीं और वहाँ से वो मन बना करके चला जाता है। अरे जलप्रिया, तुम लोगों ने सुना कि ये मछुआरा क्या कह रहा था, ये मछुआरा कल फिर से आएगा इस नदी में, आज तो हम लोग बच गए, इन्होंने हमें देखा नहीं क्योंकि हम लोग अंदर छुपे हुए थे, मगर ये कल फिर से आएगा और हम लोगों को पकड़ करके लेके यहाँ से चला जाएगा, तो हमें ज़्यादा अच्छा हमें ये रहेगा कि हमें ये तालाब छोड़ के तुरंत दूसरे तालाब में चले जाना चाहिए। मगर उसमें से एक जलपरी ऐसी जलपरी थी जो कि इस तालाब में बचपन से पली बड़ी थी और वो इस जगह को छोड़ करके जाना नहीं चाहती थी। देखो तुम लोगों को जाना है तो तुम लोग जाओ, मैं इस नदी को ये तालाब को छोड़ करके मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी क्योंकि हम लोग यहाँ बचपन से खेले कूदे, हम लोग यहीं पे बड़े हुए हैं, मुझे ये बहुत पसंद है, जिसको जाना है वो जा सकता है मगर मैं यहीं पे रहूँगी। सारी जलपरियाँ मछलियाँ उन्हें समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी मगर वो समझी नहीं, तब लोगों ने उनका साथ छोड़ करके चला गया, मगर वो मछलियाँ वहीं रह गई, जलपरी वहीं रह गई और वहीं अपना खेलने कूदने लगी। मगर इसका नतीजा ये हुआ कि वो मछुआरा आया और इसे पकड़ करके ले गया जिससे इसकी मौत हो गई। क्रोमाटम एप्लीकेशन जब भी ओपन होगा तो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि आपको पता ही है एक ही चीज़ को बार बार बताने से कोई फ़ायदा है नहीं। अगर कोई नए लोग हैं तो मेरा ट्यूटोरियल देख लीजिए जो कि डिस्क्रिप्शन में है, क्रोमाटोन्स कैसे चलाते हैं, कंप्लीट ट्यूटोरियल लगभग 1.5 घंटे का है, पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा आपको क्रोमाटोन्स कैसे चलाना है, तब आप अच्छे से वीडियोज उसमें बना सकते हैं, ठीक है। जब इस तरीके का जब इंटरफेस आता है उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, जो सबसे पहले मैं काम किया करता हूँ वो करता हूँ ग्रीन स्क्रीन में, तो इसको मैं पहले ग्रीन स्क्रीन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से जाने के बाद ये कर दिया मैंने इसको ग्रीन स्क्रीन पर कन्वर्ट, मुझे 3 कैरेक्टर चाहिए, तो फिलहाल यहाँ मैं सबसे पहले कैरेक्टर को चेंज करता हूँ जो कि मुझे मछली चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो आपका कैरेक्टर का आइकॉन बना हुआ यहाँ पे जाने के बाद गैलरी में जाऊँगा, यानी कि कस्टम इंपोर्ट कस्टम करूँगा, यानी कि जो कैरेक्टर मैंने मछली वाला बनाया है उस कैरेक्टर को यहाँ पर इनपुट करवाऊँगा, तो इसके लिए मैं कस्टम पर चला गया। उसके बाद फिर चला जाऊँगा सीधे अपने फ़ोन ड्राइव पर, फ़ोन ड्राइव पर जाने के बाद जहाँ भी मैंने पिक्चर रखा है वहाँ से मैं पिक्चर को उठा लूँगा, तो फर्स्ट पिक्चर में यहाँ से इसको उठाता हूँ, एक कैरेक्टर आ गया मेरे पास, उसके बाद फिर दूसरा और तीसरा, 3 कैरेक्टर को मैं यहाँ पे लूँगा। ये चुड़ैल का काम नहीं है तो ये चुड़ैली को मैं भेज देता हूँ कहीं पे भूतियापंती करने के लिए, तो वो चली गई वहाँ पे। अब इसके बाद दूसरा कैरेक्टर को भी उसी तरीके से इन करवाते हैं, जैसा जैसा जो कैरेक्टर हमने लिया वो कैरेक्टर को मैं इन फटाफट करवा लेता हूँ, यहाँ से मैंने इसको भी इन करवा लिया। इस तरीके का एनिमेशन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, हर एक एनिमेशन में आपको वीडियो में बताऊंगा कि आपको इस तरीके का एनिमेशन जो कि बैकग्राउंड में चल रहा था वो आपको कहाँ से मिल सकता है, जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको कहाँ से मिलेगा, सारा कुछ आपको मैं क्लियर करूँगा, डोंट वरी। यहाँ से तीसरा कैरेक्टर को भी मैं इस तरीके से मैंने इन करवा लेता हूँ। हमारे पास 3 कैरेक्टर आ चुका है, ठीक है,
1, 2, 3 इस तीन कैरेक्टर से ही मैं सारे वीडियोस को यहाँ पे बनाऊंगा। कैसे बनाता हूँ चलिए हम लोग देखते हैं और सीखते हैं। अभी क्या करेंगे, इसका सारा का सारा फेस जो है उधर है, ठीक है। पहले मैं इसको कर लेता हूँ राइट में, कैरेक्टर के प्लस पे क्लिक किया और यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके यहाँ घुमा लेना है। कैसे किया मैंने, इस प्लस बटन पे क्लिक किया, यहाँ फ्लिप दिख रहा है, इस फ्लिप पे मैंने क्लिक किया, इसको यहाँ घुमा लिया। इसको भी उसी तरीके से घुमा लेते हैं। मैं जब कार्टून्स के वीडियोस बनाता हूँ और आपको भी यही सजेशन करूँगा, जब इस तरीके का वीडियोस आप बनाएं तो हमेशा ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करें। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो छोटे छोटे क्लिप में बनाता हूँ, तो मैं यहाँ से छोटे छोटे क्लिप को ही बनाना स्टार्ट करूँगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहाँ पे अभी मैं इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करूँगा, जैसे कि मूव 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे मूव दिया हुआ है। तो इसका यूज़ आप लोगों ने आज तक नहीं किया होगा, तो इसका यूज़ मैं बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला हमें क्या करना है, इस आइडल वाले पे जो डिफ़ॉल्ट मूव है वहाँ पे जाना है। आइडल पे जाने के बाद यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे जाने के बाद स्विमिंग, हमें स्विमिंग का ये ऑप्शन यहाँ मिल जाता है स्विमिंग। अभी मैं सबसे पहले इन तीनों को स्विमिंग करवाऊँगा, फर्स्ट वाले डिफ़ॉल्ट मूव पे, उसके बाद फिर सेकंड वाले की बात करता हूँ। इस तरीके से सेकंड वाले को भी मैंने स्विमिंग करवा दिया एंड थर्ड वाले को भी स्विमिंग करवा देता हूँ। यहाँ से थर्ड पे भी जा करके इसे भी मैं स्विमिंग करवा देता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग इसका डिस्टेंस जो है थोड़ी दूर पर रखेंगे, ठीक है। यहाँ एक यहाँ पर और एक यहाँ पर ऐसा डिस्टेंस रखेंगे कि इस डिस्टेंस से हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जब हम इसको यूज़ करें, जब एडिट करें। तो यहाँ पे इस तरीके से जब ये स्विमिंग कर रहा है तो इसको हमें करते देना है, ठीक है। अब इसी में हम लोग सेकंड स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, मूव 1 तो यहाँ पे चले जाएंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे जाएंगे, उसके बाद इसको कर देंगे आइडल, ठीक है। फिर इसको भी कर देंगे आइडल एंड थर्ड वाले को भी कर देंगे हम लोग आइडल। इसको भी मैंने आइडल पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब थर्ड नंबर पे पहले वाले कैरेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड वाला जो मूव है, यानी थर्ड में जैसे कह रहा हूँ ये फर्स्ट ऊपर वाला, सेकंड एंड थर्ड जो हो रहा है, बट अभी मैं जो वर्क कर रहा हूँ वो मूव 2 वाले में कर रहा हूँ, ठीक है। डिफ़ॉल्ट मूव को वापस से फिर हमें वैसे ही सेट करना है, बताता हूँ कैसे करना है। मूव 2 वाले में भी हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें कर देंगे हम लोग टॉकिंग वाला, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएंगे और टॉकिंग का एनिमेशन देखते हैं कि टॉकिंग का एनिमेशन कहाँ है। तो ये रहा टॉकिंग का एनिमेशन, टॉकिंग 2, ये हमने टॉकिंग 2 पे यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ये हमारा भी सेकंड चला गया, ठीक है। अब उसके बाद इसको यही छोड़ देंगे, थर्ड वाले को हम लोग एक्शन देंगे, बट उसके लिए हम लोग बाद में एनिमेशन करेंगे। तो यहाँ तक हमारा एक एनिमेशन हो चुका है, अब हम लोग इस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो अब इसको वापस से फिर से हम लोग स्विमिंग करवा देते हैं। पहले वगैरह में चेंज करना होगा, जिसके लिए हमें पहले किसी अलग एक्शन पर डालना होगा, उसके बाद फिर ये स्विमिंग पे आ जाएगा। ये आ गया अभी स्विमिंग पे, हम सबको वापस से स्विमिंग पे डाल देंगे। आप सोच रहे होंगे यार पहले तुम ऐसे कर रहे हो फिर अभी वापस से स्विमिंग पे डाल रहे हो, तो इसका भी एक रीज़न है। जब हम लोग वीडियो एडिट करेंगे उस समय आपको सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे कि मैंने क्या किया है, ठीक है। यहाँ से पहले जब स्विमिंग पहले जब हम लोग लेते हैं, फिर जब सेकंड जब चेंज करेंगे ना, तो ये फिर हट जाता है स्विमिंग से। तो पहले किसी दूसरे एनिमेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर स्विमिंग पे, तो फिर ये स्विमिंग वाले ऑप्शन पे आ जाएगा। इसको भी फटाक से वैसे ही कर लेते हैं। आप चाहे तो पहला दूसरा को भी पहले कर सकते हैं, बट मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ करके भी दिखाता जा रहा हूँ कैसे करना है। अब हमारा तीनों जो है वो स्विमिंग कर रही है, ठीक है। इसको यहाँ कर देते हैं, इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा स्विमिंग करना स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो रिकॉर्ड बटन है, इस रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे मैं क्लिक करूँगा, तो हमारा जो रिकॉर्डिंग है वो इस तरीके से रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप देख सक रहे हैं कि ये तीनों स्विमिंग कर रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने क्यों डिफ़ॉल्ट मूव लिया था, उसका रीज़न ये था कि अब जैसे ये स्विमिंग कर रही है, तो अब इसी बीच में कुछ हादसा होने वाला है, जो कि मछुआरा आएगा पकड़ने के लिए। तो उसको हम लोग अब कैसे कैसे टैप करेंगे, इसके स्क्रीन के ऊपर में क्लिक करेंगे और हम लोग एनिमेशन को चेंज करते जाएंगे। बट उससे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस तरीके का जैसे स्विमिंग करने का जो मोशन है उसको लगभग 1 मिनट तक, ठीक है, 1 से 2 मिनट तक इसको पूरा कंप्लीट इसी तरीके से करते रहने देना है और इसको रिकॉर्ड कर लेना है। तो लगभग मैं इसको 2 से 5 मिनट तक रिकॉर्ड करूँगा, बट डोंट वरी, मैं आपको नहीं दिखाऊँगा कि 2 से 5 मिनट तक किया है, क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि इस तरीके से पूरा कंप्लीट एक एक करके लाइव दिखाऊँगा तो वीडियो 4 दिन में बनेगा।
तो इसलिए 5 मिनट का लगभग मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि कहीं से भी मुझे एडिटिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। तो अभी इसको थोड़ी देर तक चलते देना है। तो लगभग बहुत देर तक हमारा ये वीडियो इस तरीके से चलते रह गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक एक करके इसके ऊपर टैप करेंगे। याद रखना है आपको, एक ही बार टैप करना है, दो बार तीन बार टैप नहीं करना है। तो सबसे पहला वाला जो है, मैंने उसके ऊपर इस तरीके से टैप किया, हमारा कैरेक्टर आइडल हो गया और हमारा रिकॉर्ड जो है वो कंटिन्यू चालू ही है, रिकॉर्ड बंद नहीं हुआ है हमारा। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, रिकॉर्ड हमारा बंद नहीं हुआ, रिकॉर्ड हमारा चालू ही है। सेकंड वाले पर टैप करेंगे, ये भी स्टॉप हो जाएगा। थर्ड वाले पर स्टॉप करेंगे, ये भी स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा देर तक ऐसे रुके हुए रहने देंगे। अब इस तरीके से ये चलते रहेगा, बिल्कुल आइडल कंडीशन पे हो गया, क्योंकि हमारा स्क्रिप्ट ही वैसा है जिसकी वजह से मैंने इस तरीके से एनिमेशन किया है। अब कोई बंदा, एक बंदा है जो आता है, यानी कि जो मछुआरा है वो आता है और वो कुछ कहता है, तो अब क्या होगा कि ये सारे लोग सहम जाएंगे और डर के पीछे चले जाएंगे। ये भी यहाँ से पीछे चले गए, यहाँ से ये भी पीछे चले गए। अब ठीक है, थोड़ी देर तक चलने के बाद अभी क्या होगा कि वो बंदा बोलता है, जो मछुआरा रहता है बोलता है, वो चला जाता है। तो ठीक है, ये हमारा सबसे पहला वाला जो था, यानी कि इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये पहली वाली जो थी, अब ये कुछ बोलेगी। तो बोलने के लिए क्या करेंगे, अब हम लोग इसके ऊपर थर्ड टैप करेंगे, यानी कि मैं कुछ इस तरीके से टैप करता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये कुछ बोलना चालू कर दी। तो आज तक आप लोगों को क्रोमाटोन से बहुत सारे वीडियोज़ लोगों ने बनाना सिखाया होगा, बट आज तक पूरा कंप्लीट उस मोशन का यूज़ नहीं बताया होगा। तो आज मैंने आपको इस मोशन का भी यूज़ बताया, उसी तरीके से आपका जिस तरीके का स्क्रिप्ट रहता है उस तरीके से मोशन आप डाल सकते हैं, यानी कि उस तरीके का एनिमेशन आप डाल सकते हैं टैप कर करके। ठीक है, तो ये कुछ बोलना इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट वाला जो था, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है अब कुछ बोलते हुए आगे आएंगे। तो मैंने इस पर एक मोशन एनिमेशन और दिया था, तो वो क्या बोलेगी, चलो हम लोग उसको भी कर लेते हैं। मैंने जैसे ही मैंने इस पर टैप किया, आप देख सकते हैं कि इसका एक अलग एनिमेशन जो है वो चालू हो गया। तो अब ये कुछ कह रही है, अभी मैं सिर्फ आपको इस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। जब मैं एडिट करूँगा तो हर एक वॉइस को इसके साथ ही ऐड करूँगा। इस तरीके से करना है, करने के बाद थोड़ी देर तक हमें इसको चलते रहने देना है। अगर आपका वॉइस कंप्लीट भी हो गया है तो फिर भी थोड़ी देर तक आप इसको चलते रहने के लिए दीजिए, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से यहाँ से आपको इसको कर देना है, इस क्रोमाटोन्स वाले यहाँ पे जो आपने देखा है इसको कर देना है हमें यहाँ से इस तरीके से कुछ सेव। जब इस तरीके से सेव करेंगे तो आपको प्रीव्यू, शेयर एंड कैंसिल का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हो तो मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा, क्योंकि सारा वॉइस भी रिकॉर्ड हुआ होगा इसलिए मैं चुपचाप रहूँगा, और हमारा अभी हमारा ये एप्लीकेशन पे ये वीडियो सेव हुआ है उसका प्रीव्यू हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया वीडियो प्लेयर का, तो यहाँ से मैं वीडियो प्लेयर पे क्लिक करूँगा और इसके वीडियोज़ को देख लेता हूँ। अभी आप स्विमिंग कर रहा है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट भी हम लोग इसी में एडिट करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब आगे देखते हैं। मैंने एक मछुआरे का कैरेक्टर ले लिया। ठीक है, कैरेक्टर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले जो हमेशा करता हूँ मैं, ग्रीन स्क्रीन, इसको मैं ग्रीन स्क्रीन में कन्वर्ट कर देता हूँ। कन्वर्ट करने के बाद अभी हमारा जो कैरेक्टर है वो किस तरीके का है, अभी बिल्कुल खड़ा है। अभी मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं सुलाऊँगा। तो सुलाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करना है, आइडल पर जाना है और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। इसमें भी हम लोग मूविंग सेट करेंगे, इसमें भी डिफ़ॉल्ट मूव को, मूव 1, 2, 3 को इसमें भी हम लोग सेट करेंगे, ताकि हमें ज़्यादा देर तक परेशानी ना उठाना पड़े। इस तरीके से कुछ इसको सुला देंगे। ठीक है, एक फर्स्ट हमारा मूव ये हो गया, सेकंड मूव भी इसी में डालेंगे और इसको थोड़ा देर तक हम लोग रिकॉर्ड होने देंगे। ठीक है, बट अभी पहले मैं इस पर मूविंग, पहले एनिमेशन इस पर सेट कर लूँ, उसके बाद मैं रिकॉर्ड पर इस पर क्लिक करके इसको रिकॉर्ड करूँगा। फर्स्ट स्टेप हो गया, आप सेकंड स्टेप में मैं क्या करूँगा, इसका मूविंग जो है वो मूविंग को मैं चेंज करूँगा, उसको कर दूँगा बैठने वाले पे। तो बैठने वाले पे मैं मूव 1 पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा बैठने वाला कौन सा है। तो बैठने वाले पे सिटिंग हम लोग करवा देंगे, सिटिंग आइडल मैं इसको ऐसे करवा दूँगा। ठीक है, ऐसे करके इसको मैंने एक सेट कर दिया, ये सेकेंड मूव हो गया। क्यों, क्योंकि जब मैं टैप करूँगा, जब एक कैरेक्टर कुछ बोलेगा तो ये उठ करके बैठ जाता है, तो वो भी हम लोग इसी में साथ में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये उठ करके बैठ गया, बट अभी हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले वाला को चेंज कर देते हैं, यानी कि डिफ़ॉल्ट मूव को पहले चेंज कर देते हैं। क्यों करते हैं हम लोग ऐसा, क्योंकि हमारा डिफ़ॉल्ट मूव में जैसा रहेगा उसी तरीके से हमारा आगे का जो भी वीडियो है वो उस तरीके से बनेगा। तो मैं इस तरीके से इसको यहाँ, इसको मूविंग 1 इस तरीके से कुछ हम लोग सिलेक्ट करके रख देते हैं और इसको कुछ देर तक हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ रिकॉर्ड बटन है, इस रिकॉर्ड बटन पे हम लोग यहाँ पे
ऐसे क्लिक करेंगे, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे और हमारा जो भी वीडियो है वो इस तरीके से कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसा आपका वीडियो रहेगा उतने देर तक आपको रिकॉर्ड कर लेना। तो अभी थोड़ी देर तक मैं इसको सोने को दे दूंगा, थोड़ी देर तक ये सोएगा, आराम करेगा। आने के बाद क्या करेंगे, जो एक कैरेक्टर है, जो इसकी वाइफ है, ये इसको आके कुछ बोलेगी। फॉर एग्जांपल अगर ये कहती है सारा दिन तुम सोए रहते हो, कामचोर बन गए हो, बिल्कुल इस तरीके से सोए रहोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। तो क्या होगा, जब ये इस तरीके से कुछ बोलेगा तो बंदे के ऊपर मैं टैप करूँगा, बंदा उठ करके खड़ा हो जाएगा। ये उठ करके इस तरीके से बैठ गया कि जैसे उसने कहा इस तरीके से आकर के बैठ गया। ये नॉर्मल सी चीज़ होती है कि जब हमें भी कोई, जब हम लोग सोए रहते हैं, कोई कुछ कहता है तो हम लोग इसी तरीके से बैठ जाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने इसको भी बैठा दिया, ठीक है, ये बैठ गया। अब थोड़ी देर तक इसको भी रिकॉर्ड इसी तरीके से हम लोग चलते रहने देंगे। जब थोड़ी देर रिकॉर्ड हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग इसको रिकॉर्डिंग को सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए यहाँ पे क्रोमाटोन्स का जो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे लोगो, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारा जो भी वीडियो है प्रीव्यू दिखाएगा, प्रीव्यू दिखाने के बाद हमारा वीडियो जो है वो सेव हमारे गैलरी में हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा एक जो है स्टोरी वो भी तैयार हो गया। अब दूसरा स्टोरी हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टोरी में हम लोग एक लेडीज़ को लेंगे जो कि इसकी वाइफ होगी, वो आ करके इसको कुछ बोलेगी। तो और एक दूसरे कैरेक्टर को हम लोग इसमें इन करवाएंगे। तो दूसरे कैरेक्टर को इन करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी जो भी हमारा ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को तो मुझे हटाना है क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके स्टोरी बनाता हूँ, छोटे छोटे क्लिप बनाता हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ और कोई नया कैरेक्टर जो है इसमें फिट करवाता हूँ। तो नया कैरेक्टर फिर से अपने गैलरी में जाएंगे, गैलरी में जाने के बाद नया कैरेक्टर को ले लेते हैं। तो फट से मैं नया कैरेक्टर को पहले इन करवा लेता हूँ इसमें। लेडीज़ वाले कैरेक्टर को फिट करने के बाद उसको जब इंपोर्ट कर लेते हैं तो उसको भी कुछ इस तरीके से एनिमेशन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो फर्स्ट एनिमेशन मैं जो दूंगा वहाँ जा कर के चुप होने वाला आइडल वाला यानी कि स्टॉक, वहाँ पे जा कर के डायरेक्ट वो चुपचाप होकर के बात करेगी। तो यहाँ पे मैंने पहला ये दे दिया, दूसरा मैं यहाँ पे जाऊँगा यहाँ से थोड़ा सा नीचे वॉकिंग विथ टॉकिंग का डाल दूंगा। तो यानी कि वॉकिंग विथ टॉकिंग, टॉकिंग विथ पॉइंट यहाँ पे है, टॉकिंग विथ वॉकिंग, टॉकिंग वाइल वॉकिंग, मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है। मैंने इसको डाल दिया यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक ये जाएगी। तो इसके लिए मैं अभी क्या करूँगा, इसको भी फिर से मैं ग्रीन स्क्रीन में पहले डाल लेता हूँ। ये आ गया ग्रीन स्क्रीन में। अब इसको थोड़ा सा यहाँ रखेंगे और इसको चला करके कुछ इस तरीके से लेके जाएंगे। मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाता हूँ और कुछ बोलते हुए मैं पार करूँगा ताकि मैं और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आए। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग पे स्टार्ट दबाया, मैंने स्टार्ट नाउ पे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। हमारा रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से ये बोलते हुए जाएगी, तो क्या बोलेगी चलो देखते हैं। सारा दिन तुम घर में आकर के सोए रहते हो, कहीं कुछ काम धंधा नहीं है, बिल्कुल तुमने परेशान करके रख दिया है। जाओ कुछ काम धंधा करो, खाने पीने का कुछ हम लोग कुछ जुगाड़ लगाओ ताकि हम लोग भी कुछ खा पी सकें। सारा दिन तुम आलस्य की तरह सोए रहते हो। यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आने के बाद अब क्या होगा, अब वो बंदा जो है उठ करके खड़ा होता है। तो इसको हम लोग एक बार टैप कर देंगे तो ये बिल्कुल चुपचाप खड़ी हो गई और यहाँ से बोलना फिर से कुछ चालू करेगी। दूसरे के पति को देखो कि सारा दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं और घर में अपने सारे चीज़ को ला करके देते हैं, मगर तुम ही एक हो जो कुछ नहीं करते हो। इस देखो इस तरीके से जो भी बोलना था वो मैंने बोल दिया। बोलने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ तरीके से फिर से टैप कर देंगे। टैप करने के बाद अभी जो है ये बिल्कुल चुप हो जाएगी और इस तरीके से हो जाएगी। जब ये अभी कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद यहाँ से हम लोग थोड़ी देर तक चलते रहने देना, रिकॉर्ड करते रहना है आपको। जैसे कि मैंने कहा था, रिकॉर्ड ज़्यादा देर तक, जितना भी आपका स्क्रिप्ट है थोड़ा सा ज़्यादा ही देर तक कीजिए, क्योंकि हो सकता है कई वॉइस जो है वो आप चेंज कर सकें। तो उस तरीके से हमें रिकॉर्ड कर लेना। करने के बाद हमें यहाँ पर इसको क्रोमाटोन्स पे क्लिक करना है और हमारा जो भी वीडियो है वो जो सेव हो जाता है वो हम लोग प्रीव्यू देख सकते हैं, या फिर देखने का मन नहीं होता फिर आगे बढ़ सकते हैं। बीबी से गाली खा लेने के बाद मछुआरा क्या करता है कि मछुआरा निकल जाता है कुछ मछलियाँ पकड़ने के लिए। अभी आप देख रहे होंगे कि मछुआरा जो है ये इस तरीके से यहाँ पे खड़ा है। जितने भी कैरेक्टर्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ, हर एक कैरेक्टर आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा, कोई सा भी चार्ज मैं नहीं लूँगा। आप यूट्यूब पे कहीं भी ढूंढेंगे, किसी भी कैरेक्टर के पास जाएंगे तो आपको हर कैरेक्टर के लिए पैसा पे करना पड़ता होगा, बट मेरे पास बिल्कुल फ्री मिलेगा, मैं कोई सा भी चार्ज पे नहीं करूँगा। बस मुझे क्या चाहिए, मुझे बस सिर्फ आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट में लिख दीजिए कि सब्सक्राइब कर दिया। उसके बाद फिर मैं आपको कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर चाहिए आपको, सारे के सारे कैरेक्टर्स मैं आपको दूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके हाथ में हमें देना है जो मछली पकड़ने वाला जो जाल होता है वो हमें देना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बटन पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद कैरेक्टर के प्रो में चले जाना है, उसके कस्टम पे जाना है। कस्टम पे जाने के बाद जो भी मैंने इसे हाथ में देना है वो चीज़ दूंगा। तो कैसे दूंगा, चलिए हम लोग वो चीज़ को भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने कुछ जाला बना करके रखा है, मछली का जाला। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि
मेरे कैरेक्टर के हाथ में ये मछली का जाल आ चुका है। अब इस जाल को ले करके वो जाएगा मछली पकड़ने के लिए। ये जाल मैंने कैसे इसके हाथ में दिया वो भी चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो का लेंथ, मेरा जो भी वीडियो का लेंथ रहता है बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि रीज़न ये रहता है कि मैं किसी भी चीज़ को छुपाता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर एक पॉइंट आपके पास पहुँचे ताकि आप भी कार्टून्स के इस तरीके के स्टोरीज वाले वीडियोज़ को बना सकें। इसलिए मेरे वीडियो तो कभी स्किप करके मत देखिएगा, चूँकि कई सारे पॉइंट्स मैं उसमें बताता हूँ। मैं हर एक पॉइंट्स में खुल करके ओपन करके आप लोगों को बताता हूँ। अब अभी क्या है कि यहाँ से ये निकल गया अपने जालों को ले करके, तो इसको हमें चलने वाले मोशन पे देना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर भी हम लोग दो एनिमेशन डालेंगे। सबसे पहले वॉकिंग टॉकिंग नहीं, सबसे पहले मैं यहाँ पे डालता हूँ सिर्फ वॉकिंग करने वाला, ठीक है? क्यों? क्योंकि आगे जब वीडियो बनाऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि क्यों मैंने डाला है। अभी मैंने सिर्फ वॉकिंग वाला डाल दिया, वॉकिंग वाला डालना है। उसके बाद फिर सेकंड जो इसका पोजीशन आएगा वो पोजीशन आएगा इसका, फर्स्ट पोजीशन हो गया हमारा वॉकिंग का। सेकंड पोजीशन जो हमारा आएगा वो आएगा कुछ बोलने वाला, वॉकिंग विद टॉकिंग। तो मैं इसको वॉकिंग एंड टॉकिंग पर डाल देता हूँ। यहाँ पे तीन एनिमेशन से, तीन से चार एनिमेशन में इसमें डालूँगा और उसको सबको मैं आपके सामने ही यूज़ करके आपको दिखाऊँगा, ठीक है? ये कर दिया मैंने ये वाला। थर्ड में डाल देता हूँ सिर्फ टॉकिंग करने वाला। तो थर्ड में सिर्फ टॉकिंग करेगा और नीचे देखेगा टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग, ये सिर्फ मैंने डाल दिया टॉकिंग करने वाला, ठीक है? अब यहाँ पे ही सारा इसका पूरा का पूरा कहानी होगा। तो चलिए अब हम लोग इस पर आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियोस बनाना। इस पर मैंने तीन एनिमेशन रखा है, वॉकिंग, टॉकिंग वाइल रनिंग, उसके बाद फिर टॉकिंग होल्ड प्रूफ वन। ये तीनों मैंने क्यों रखा है, जब मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो भी दिखाते जाता हूँ। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्टिंग में मैं हमेशा क्या करता हूँ, ग्रीन स्क्रीन। तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया ग्रीन स्क्रीन। अब यहाँ से इसको चला के धीरे धीरे लाएंगे और इसको यहाँ से पार करेंगे फर्स्ट में, ठीक है? उसके बाद फिर सेकंड पोजीशन में फिर क्या करते हैं, थर्ड में क्या करते हैं हम लोग वो देखते हैं। तो अब यहाँ पे मैं ग्रीन स्क्रीन मैंने डाल दिया, यहाँ पे कर दिया मैंने इसको ओके। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं रिकॉर्ड। ये मैंने रिकॉर्ड पे यहाँ पे प्रेस कर दिया, यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दिया, हमारा रिकॉर्डिंग का जो है वो स्टार्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको पकड़ेंगे और ऐसे धीरे 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 करके लेके जाएंगे। और अभी कुछ भी ये बंदा कुछ नहीं कर रहा है, बस वो जाला ले करके अपना चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैं एडिट करूँगा तो उसमें जब मैं वॉइस ऐड करूँगा तो आपको इसका ये चीज़ दिखाई देगा कि मैंने इसको ऐसा क्यों किया था। यहाँ से इसको धीरे 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 करके ले करके आना है, ले करके आ करके यहाँ पे इसको पार यहाँ तक कर देना है, ठीक है? यहाँ तक मैंने इसको पार कर दिया, ठीक है? हमारा एक छोटा सा वॉइस जो था वो स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्क्रिप्ट होगा क्या होगा, फिर से इसको यहाँ पे वापस लाएंगे। अब इसके ऊपर एक बार हम लोग इस तरीके से टैप करेंगे। अब ये कुछ बोलते हुए जा रहा है, ठीक है? अब ये कुछ बोल रहा है तो इसको भी हम लोग यहाँ पकड़ेंगे, धीरे धीरे ऐसे करके लेके जाएंगे। यहाँ पे भी ये कुछ कह रहा है जो कि हम लोग रिकॉर्डिंग में इसको सब कुछ हम लोग ओके कर लेंगे जब एडिट करेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे इसको भी यहाँ तक ले करके जाएंगे। इस तरीके से ले करके गया मैं, यहाँ से ला करके फिर इसको भी फिर से पार करवा दिया, ठीक है? सेकंड एनिमेशन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब थर्ड एनिमेशन, तो फिर से इसको यहाँ पर ले कर जाएंगे, यहाँ तक ले कर जाएंगे, ठीक है? उसके बाद फिर धीरे 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 यहाँ से यहाँ तक लाना है हमें। बीच तक लाने के बाद इसको रोक देना है। रोक देने के बाद हमें क्या करना है, फिर से इसको टैप कर दूंगा मैं। एक बार टैप कर दिया मैंने, अब ये दूसरा जो है हमारा एनिमेशन है वो चीज़ कह रहा है, तो वो चीज़ का भी हमारा इसी तरीके से सबको रिकॉर्ड करके हमें कंप्लीट कर लेना है। तो हमारा ये वाला भी पोर्शन जो है थोड़ी देर रिकॉर्ड होने देते हैं। रिकॉर्ड हो जाने के बाद फिर हम लोग आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इतना दूर तक जब कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग इसको कर देंगे यहाँ से सेफ। फिर से वही प्रीव्यू वाला आ गया, देखना देखिए, नहीं देखना आगे बढ़ा दीजिए। तो यहाँ तक हमारा काम ये कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब थोड़ी देर तक इसको हम लोग पहले आइडल पे डाल देते हैं। आइडल पे डालने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको आइडल पे हमने डाल दिया। इसके हाथ में जो है उसको फेंक देते हैं, जो भी जाला है उस जाले को पहले हम लोग कर देते हैं यहाँ से नन। हाथ भी इसका खाली हो गया, क्यों? क्योंकि इसका जाला जो है वो उसने नदी में फेंक दिया, ठीक है? नदी में फेंक दिया। और वो हम लोग करेंगे नदी में फेंकने वाला जो काम है वो करेंगे हम लोग सीधा एडिटिंग में। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधा एडिटिंग करने के लिए काइन मास्टर के ऊपर, और वहाँ पे हम लोग कंप्लीट एडिटिंग सीख लेते हैं। मैंने अपना काइन मास्टर ओपन कर लिया। काइन मास्टर ओपन करने के बाद जो भी हमारा क्रोमाटोन्स का ये वीडियो सेव हुआ था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है? अब अभी आपको दिखेगा, अगर मैं एक बार प्ले करूँ, एक बार पहले म्यूज़िक इसका पहले स्लो कर देता हूँ, ये म्यूज़िक मैंने बंद कर दिया इसको, एक बार मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देखिए कि मछली जो है मस्त पानी में अपना
कूद फान रही है अच्छे तरीके से। और इसके नीचे भी अगर मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके का कोई सा भी मछली का कोई ग्रीन स्क्रीन का कोई वीडियो वगैरह नहीं है, ठीक है। इस तरीके का एनिमेशन मैंने बनाया, कैसे बनाया वो तरीका भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे मछलियाँ जो हमने सेव किया था वो मछली हमारा यहाँ पे है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें मछलियों का डिस्टेंस थोड़ा सा दूर दूर रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि अगर मैं इसको तैरने के लिए इस तरीके से कहीं से भी सेट करूं तो ये कहीं से भी सेट नहीं होगा। ऐसे करूंगा तो ये थोड़ा सा बेकार हो जाएगा। तो इसको मैंने क्यों किया था, इसलिए किया था ताकि मैं इसको सही से अलाइन कर सकूं। तो अब मैं क्या करूंगा, जो भी हमारा मछली है उस पर क्लिक करूंगा और यहां से थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाऊंगा और क्रॉप करके इसको मैं अभी फ़िलहाल छोटा कर दूंगा। एक एक मछली को मैं लाऊंगा। एक मछली हमारा ये आ गया, ठीक है। इसको क्रॉप करके थोड़ा छोटा कर देते हैं। एक मछली हमारा ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसको जिस तरीके से जैसे डालूंगा उस तरीके से सिंगल सिंगल मछली जो है हमारा आराम से मूव करेगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग एक बार इसको प्ले करेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत मस्त तरीके से ये पानी में, अभी तो आपको पानी के बाहर दिख रही होगी, ठीक है। अभी मैं इसको पानी के अंदर भी भेजूँगा, डोंट वरी। पहला ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग सेकंड लेयर कर लेंगे। इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसको कॉपी करके यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। अभी हमारे पास ये दूसरा वाला ऑप्शन भी आ गया, तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से सिलेक्ट करेंगे क्रॉपिंग वाला। यहाँ पे क्रॉपिंग का ऑप्शन देता है। अब क्रॉपिंग करके इसको यहाँ से ये हटा दीजिए और आपका जो दूसरा क्रॉपिंग करके जो था उसको ले आइए। तो हमारा ये दूसरा वाला भी जो है, दूसरा वाला ये आ गया। इसको भी ऊपर थोड़ा सा क्रॉपिंग करके छोटा कर देते हैं ताकि ये बेकार ना लगे देखने में। यहाँ से इसको भी सेट कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो दो दिख रहा है, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब तीसरा के लिए भी हम लोग बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे। क्रॉप करके इसको भी सेट करेंगे। पहले हम लोग डिलीट करके पहले अच्छे तरीके से इसको सेट कर लेते हैं सो दैट कि हमारा ये बेकार ना हो जाए। दो हो गया। अब हम लोग तीसरा भी बिल्कुल उसी तरीके से इसका लेयर थर्ड बना लेंगे, ठीक है। ये थर्ड नंबर वाला भी नीचे आ गया। अब इसको थोड़ा सा हमें करना होगा सीधा, इसको इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। अब इसको भी क्रॉप करके जो भी पार्ट हमने हटाया था उस पार्ट को यहाँ ले आते हैं। ये आ गया और ये भी यहाँ पे आ गया। अब इसको भी क्रॉप करके हम लोग इस तरीके से थोड़ा सा इस तरीके से कर देते हैं। अब आप चाहें तो इसको कहीं भी, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। एक वीडियो से मैंने तीन तीन जल परियों को निकाल लिया, ठीक है। एक बार हम लोग इसको प्ले करके देखते हैं, ठीक है। देखिए अब ये तीनों अपना अलग अलग तरीके से, आपको जहाँ ले जाना है आप इसको लेके जा सकते हैं। पहले एक में था इसलिए दिक्कत होता, मगर अब सब अलग अलग है। जिसको आपको जहाँ मन करता है आप वहाँ पे ले जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और एडिटिंग में ये करेंगे कि अब हम लोग एक एक करके जितना भी हमारा ग्रीन स्क्रीन था उसको सबको सिलेक्ट करेंगे और इसके ओपेरासिटी को कर देंगे कम। कम इसलिए करेंगे ताकि ये थोड़ा धुंधला हो जाए और फिर ये लगे कि अब पानी के अंदर में। आप देख सकते हैं कि अब ये ऐसा लग रहा है कि ये पानी के जस्ट अंदर में ही है। इस तरीके से हम लोग तीनों को एक एक करके सिलेक्ट करेंगे, तीनों को ओपेरासिटी को यहाँ से कम कर देंगे। यहाँ से इसको भी ओपेरासिटी को कम कर देंगे, इतना कम करेंगे जितना में आप भी समझ सकें कि आपका वीडियो ख़राब ना लगे देखने में। ज़्यादा नहीं करना है ना। तीनों को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से तीनों का ओपेरासिटी को मैंने कम कर दिया, इसको भी और इसको भी। तीनों हमारा कम हो गया। एक बार हम लोग इसको प्ले करके देख लेते हैं। देखिए अभी इसको हम लोग प्ले कर रहे हैं तो अभी हमारा जो भी मछली है वो एक ही जगह पे है, ठीक है। मछलियाँ हमारी आगे नहीं बढ़ रही है, तो इसके लिए हम लोग फट से एनिमेशन इसमें डाल देते हैं। तो एनिमेशन डालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको की फ्रेम दिख रहा होगा, इस की फ्रेम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वीडियो को ऐसे आगे बढ़ा लेंगे। यहाँ पे प्लस पे हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। बहुत बेसिक तरीका बताऊँगा इस पर, चाह रहा हूँ कि सारे लोग इसको सीख सकें। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके आगे बढ़ा देंगे, इस वीडियो को थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा देंगे और यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा फिर से हम लोग इसको थोड़ा सा इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे और यहाँ प्लस कर देंगे। फिर से ऐसे आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाने के बाद इसको सिलेक्ट किया हुआ जो है हमारा,
उसको यहाँ पैसे कर देंगे और इसको भी सिलेक्ट कर देंगे। उस तरीके से जितना भी है हमारा, जितना भी है 1 2 3, ठीक है, इस तीनों को हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से सिलेक्ट करेंगे और ऐसे ऐसे करते हुए हम लोग आगे बढ़ा देंगे। अब सेकंड वाले पे भी उसी तरीके से एनिमेशन देते हैं। सेकंड वाले पे क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ से इस पे जाना है। इसको थोड़ा सा अगर एनिमेशन में ऊपर नीचे भी करना है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं ताकि आपका वीडियो जो है और अच्छा लगे, ठीक है। जितना अच्छे से एनिमेशन आप दे सकते हैं उतने अच्छे से एनिमेशन आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारा का सारा एनिमेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप एनिमेशन प्ले कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैंने नीचे कर दिया, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया, यहाँ से इसको प्लस कर दिया, ठीक है। थर्ड वाले में भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। यहाँ तक हो जाता है। यहाँ तक होने के बाद अब हम लोग एक बार इसको हम लोग प्ले करके फट से देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है, ठीक है। देखिए अभी मस्त आपको दिख रहा होगा कि तैरते हुए इस तरीके से जा रहा है। उस तरीके से जैसे आपको एनिमेशन करना है इस तरीके से आप करवा सकते हैं। अब जैसे मछलियाँ इधर गई तो इसको वापस भी लेके जाना है हमें, तो वापस ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब पे एक एक ठोक कट दे देंगे। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सीजर उठाएंगे, यहाँ से ट्रिम कर देंगे, ठीक है। एक कट हमारा हो गया। दूसरे पे भी उसी तरीके से इस पे जाएंगे, यहाँ से इस पे भी जाके इस पे भी कट दे देंगे। कट मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ये पार्ट अलग हो जाएगा, यहाँ से ये पार्ट अलग हो जाएगा, ताकि हम लोग अलग अलग तरीके से एनिमेशन इस पे डाल सकें। यहाँ से इसको भी मैंने अलग कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सारे मछलियों को, जो भी मछली हमारी उधर की तरफ थी, सबको खींच खींच के इधर लेते आते हैं। पहले एक एक करके सब मछलियों को खींच के इधर ले आते हैं। अब इसके बाद हम लोग इस पर अलग एनिमेशन देंगे। वो एनिमेशन कैसे देंगे, अब इसको रोटेट करके हम लोग इधर की तरफ घुमा देंगे। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे मैंने एक मछली को पकड़ा, जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से कुछ ऑप्शन खुल करके बाहर आ जाता है। जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट पे सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिरर, जैसे यहाँ पे आपको यह मिरर दिख रहा होगा, इस मिरर पे हम लोग जैसे ही डालेंगे तो हमारा जो है ये मछली अब इधर की तरफ तैरते हुए जाएगी। तो इस तरीके से सारे को सिलेक्ट करना है, पकड़ पकड़ के इस तरीके से सब पे मिरर इस तरीके से हमें डाल देना है ताकि हमारा सारा वीडियो, जितना भी हमारा मछली है, सब उधर की तरफ मुड़ जाए। एक एक करके सिलेक्ट करके इसको भी सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके इधर इसको भी हम लोग घुमा देते हैं, ठीक है। अभी सारे मछलियों का मुंह जो है इधर हो गया। अब इसको यहाँ से इसको यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, फिर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी ऐसे घुमा देते हैं, इसको भी इस तरीके से मैंने घुमा दिया, ठीक है। अब हम लोग इस पर भी वही काम करेंगे जो की फ्रेम हमने लगाया था, उस तरीके का की फ्रेम लगा करके इस तरीके से यहाँ पे भी डाल देंगे। तो चलिए हम लोग की फ्रेम लगाना स्टार्ट करते हैं। इस पर जैसे मैंने सेलेक्ट किया, फिर से की फ्रेम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको इस तरीके से बढ़ा करके आगे ले जाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा वीडियो को भी आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से इसको कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, इस वीडियो को भी आगे बढ़ा देते हैं। इस तरीके से आपको तीनों पे बिल्कुल सेम प्रोसेस पे इसी तरीके से कर लेना है। तो फटाफट मैं पहले कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं एक बार आपको प्ले करके भी दिखाऊंगा कि कैसा लग रहा है हमारा वीडियो। इस तरीके से सब पे मैंने एनिमेशन कर दिया, ठीक है। एक बार थोड़ा सा प्ले करके हम लोग एक बार देख लेते कि कैसा लग रहा है। देखिए ये मछलियाँ कुछ चल करके इधर से गई, यहाँ पर जा करके कुछ तैर रही है, अब वापस घूम के इस तरीके से मछली हमारी इधर की तरफ में आ गई, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ये मछली जो है तैर रहा है, इस तरीके से चलता हुआ चला गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा यहाँ तक एक एनिमेशन एक पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। जब इस तरीके से एक कंप्लीट हो जाए तो हमेशा मैं सजेशन यही देता हूँ आप लोगों की, जब इतना दूर तक एनिमेशन कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है कि अपने वीडियो को कर लेना है सेव, यानी कि यहाँ से आपको जाना है, अपना वीडियो जितना भी आपका बना है उसको आप कर लीजिए सेव। उसके बाद क्या करेंगे, मछुआरा जो कैरेक्टर था हम लोग उस कैरेक्टर को जस्ट एडिट करेंगे, उसके बाद उसको भी हम लोग कर लेंगे सेव। यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड डाल दिया, ठीक है। ये बैकग्राउंड आपको कहाँ से मिलेगा, सर्च इमेज में जा करके एप्लीकेशन है ये डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा। या फिर ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हमेशा कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड यूज़ किया कीजिए, जो कि आपको पिक्सबे पिक्सल्स पे जा करके भी मिल सकता है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड डाल दिया, और यहाँ पर एक मैंने जो हमारा कार्टून का जो है ये छोटा सा एनिमेशन जो रिकॉर्ड हुआ था उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अगर मैं इसको उठा के दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से उड़ भी जाता है। इसको हमने यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से सेट कर दिया, ठीक है। अब इसी में आपने देखा था कि इसी एनिमेशन में मैंने दो तीन
इसमें मूवमेंट दिया था इस तरीके से, इस तरीके का जो मूवमेंट मैंने दिया था वो मूवमेंट हम लोग को इसी में ही यूज़ करना है। जो कि लेडीज़ वाला मूवमेंट था वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड का जितना भी आपका जो भी लेयर है उसके हिसाब से ही आपको बैकग्राउंड रखना है, ठीक है। तो उस तरीके से ही आपको मैं वीडियो बनाना सिखाऊंगा। तो इस पर अभी हम लोगों को क्या करना है, तो जैसा भी आपका स्क्रिप्ट होगा उसके अनुसार आप अपने एनिमेशन को चलाइए। यहाँ से एक एनिमेशन मेरा अलग रहेगा, फिर एक एनिमेशन यहाँ से कट वाला अलग हो गया, ठीक है। और एक एनिमेशन जो जाएगा वो एनिमेशन वो जाएगा जबकि लेडीज़ जो है वो इन करती है। तो लेडीज़ इन करने वाला जो हमारा एक मोशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, यहाँ से ये अच्छा लग रहा है, यहाँ से इसको मैं एक कट दे दूँगा। यहाँ से मैंने एक कट कर दिया। अभी हमारे पास टोटल 3 एनिमेशन यहाँ से हो गया। इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ और इसका फेस अभी दूसरे की तरफ है। तो इसका फेस घुमाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रोटेशन पे जाएंगे और यहाँ पे इस मिरर पे जैसे टिक करेंगे ये कुछ इस तरीके से घूम करके इधर आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा करके यहाँ पे बिल्कुल इसको उठा के कुछ यहाँ तक ले आएंगे जब ये उठ करके बैठता है। तो इसको थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं, जब से उठाना है इसको थोड़ा सा और चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ तक हम लोग रुकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। अभी यहाँ से ये सोया हुआ है तो इसको सोने देते हैं। और इसकी वाइफ जो है कहाँ से आएगी, तो यहाँ से इसकी वाइफ चल करके आएगी जो कि बहुत गुस्से में आएगी और चल करके कुछ इस तरीके से आती है। और कितने दूर तक जाएगी ये वो चीज़ देखना ज़्यादा ज़रूरी है, तब ये आदमी जो है वो खड़ा होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग छोटा छोटा क्लिप को हम लोग बनाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको चलिए हम लोग सबसे पहले छोटा छोटा कट लगा लेते हैं। वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, स्क्रीन रिकॉर्डर कर लेना वो बड़ी बात नहीं है, वो सबसे बड़ी बात होती है हमें वीडियो एडिटिंग करना। टाइम टू टाइम कैरेक्टर जो है वो चेंज होगा, टाइम टू टाइम इस पर हमें वॉइस जो है उस तरीके से सेट करना होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे और क्या करेंगे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पर मैं रिकॉर्ड करना चालू करूँगा। रिकॉर्ड बोले तो इस पर मैं वॉइस ऐड करना चालू करूँगा और साथ ही साथ आपको दिखाता भी जाऊँगा कि किस तरीके से हम लोग वॉइस को ऐड करते हैं और इसको एडिट करते हैं। तो मेरा जो स्क्रिप्ट रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा कि एक आलसी मछुआरा है, तो उसी पर मैं एक छोटा सा स्टोरी बनाऊँगा और उसी पर मैं वीडियो एडिटिंग करूँगा। चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ, जिसके लिए मैंने इस माइक पे क्लिक किया और स्टार्ट बटन पे मैं क्लिक करूँगा और बोलना चालू करूँगा। एक कामचोर मछुआरा था जो सारा दिन बिस्तर पे पड़ा रहता था। उसे काम धंधे करने की कोई टेंशन नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी कि उसे अपना घर भी चलाना। इसे देख करके इसकी पत्नी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, बहुत ज़्यादा इसे चिढ़ी रहती थी। और इसी में तंग आकर के इसकी पत्नी लास्ट में बहुत ज़्यादा गुस्से में हो करके यहाँ तक मैंने बोल दिया, ठीक है, यहाँ तक मैंने इस चीज़ को बोल दिया। अब इसके वॉइस को भी हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, बढ़ा करके एक बार आपको प्ले करके मैं सुना देता हूँ पहले। एक कामचोर मछुआरा था जो सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था, उसे काम धंधे करने के, ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ तक ही हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट में मैंने क्या बोला था, इसी चीज़ से तंग आ करके इसकी पत्नी गुस्से में होकर के तिलमिला करके आती है। तो आने वाला जो सीन है, अब यहाँ से इसकी पत्नी जो है यहाँ से चल करके आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने पत्नी को पीछे कर दिया। अब एक बार देखते हैं इसके साथ ये सेट हो रहा है। इसी में तंग आकर के इसकी पत्नी लास्ट में बहुत ज़्यादा गुस्से में हो करके, ठीक है, यहाँ तक मैंने बोला इसकी पत्नी जो है मस्त गुस्से में हो करके आ रही है और आती है। तो थोड़ा सा हमें इसका म्यूज़िक को भी देना है, थोड़ा सा अलग तरीके का बैकग्राउंड म्यूज़िक को भी रखना है। यहाँ तक ये चल करके आएगी तो यहाँ तक आ रही है और पत्नी भी जो है वो कुछ बोलते हुए ही आ रही है, तो उसको भी हम लोग अब इसी में ही करेंगे। अब यहाँ से ये उठ करके खड़ी हो जाती है और यहाँ से हम लोग कर देंगे एक कट लगा देंगे, इस पत्नी के ऊपर में एक कट लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने इस पर कट लगा दिया। अब थोड़ा सा पीछे करते हैं और पत्नी का वॉइस जो है वो रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, ठीक है, जिसके लिए मैं यहाँ पे माइक पे क्लिक करूँगा और मैं कुछ बोलना चालू करता हूँ। ओ चुन्नी के पापा, ओ चुन्नी के पापा, गजब हाल है यार, आपने गजब पूरे घर में पूरे मनहूसियत फैला करके रखी है। समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, कैसे होगा, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है कि सारे लोग काम करने जाते हैं, सारे के पति खाना वाना बनाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ ले करके आते हैं, बट आप तो हद करके रखे हैं, सारा दिन बिस्तर तोड़े रहते हैं। क्या करना है आपको, मैं घर चल के चली जाऊं क्या, क्या करूं, मैं और मेरे बच्चे जाते हैं काम करने के लिए, आप घर में सारा दिन बैठे रहिए, ठीक है। यहाँ तक ये बोलती है, बोलने के बाद फिर जो है इसका भी जो रिकॉर्ड है वो
मैंने यहाँ से सेव कर लिया। ठीक है, एक बार आपको इसको भी मैं प्ले करके दिखा देता हूँ कि टाइमिंग के साथ ओ चुनी के पापा गजब हालत। इस तरीके से मैंने टाइमिंग के साथ में जितना भी मुझे अच्छा सा लगा मैंने टाइमिंग के साथ से इसको सेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हो गया। अगर आप मान लीजिए कि अब इसमें आपको वॉइस को चेंज करना है तो वॉइस चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, लेडीज़ वाले वॉइस के लिए आपको आपका लेडीज़ वाला वॉइस पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ वॉइस जो है यहाँ पे ओपन होकर के आ जाता है वॉइस चेंजर, और यहाँ पे आपको कुछ मेंस वुमेन्स बहुत सारे कैरेक्टर का वॉइस आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे वॉइस वुमेन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके वॉल्यूम को कर देना है बिल्कुल फुल। उसके बाद यहाँ पे ये पिच दिया हुआ है, ये पिच को आपको कर देना है प्लस टू में, इसको पिच को डाल देना है। अब एक बार आप इसको प्ले करके सुनिए। ठीक है, इस तरीके से आवाज़ थोड़ा सा चेंज हो गया। अब चूंकि मैं इस पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, स्टोरी बता रहा हूँ, तो मैं इस पर कुछ अलग वॉइस डालूंगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं रिवर्ब पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारा इको साउंड में मिल जाता है वॉइस चेंज करने के लिए। अगर मैं मान लीजिए इस पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से इसका भी आवाज़ चेंज हो गया। तो मैं फिलहाल अभी इसी को रहने दूंगा। यहाँ तक हमारा ये चीज़ कम्प्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये चीज़ कम्प्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक इसका बोलना चालू हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक दूसरा चीज़ जानना है। जो भी कामचोर मछुआरा था वो अपनी पत्नी के बात सुन करके थोड़ा दुखी हुआ, उसके बाद फिर वो मछली पकड़ने के लिए निकल जाता है। तो मैं भी उसको भी बोल करके मैं आपको सुनाता हूँ, वो भी रिकॉर्ड करके ही मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने इसको प्रेस किया, रिकॉर्डिंग बटन स्टार्ट नाउ पे आएगा, और मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको भी बोल लेता हूँ। अपनी पत्नी की बात सुन करके मछुआरा बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, जो कि उसको भी मन किया कि चलो अब मुझे भी अब कुछ काम करना जाना चाहिए। तो उसी क्षण क्या करता है वो मछुआरा वहाँ से निकल करके चला जाता है मछली पकड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा एक पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट में हम लोग चलते हैं। सेकंड पार्ट में फटाफट हम लोग एडिटिंग करना उसे भी स्टार्ट कर देते हैं, जो कि अब मछली का कैरेक्टर है, मछली का काम है। तो चलिए हम लोग उसको भी एडिट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसके बैकग्राउंड को अब हम लोग चेंज करेंगे। अब मछुआरे वाला जो चलने वाला पार्ट है उसको डालेंगे। तो इसके लिए बैकग्राउंड मैं चेंज करके कोई दूसरा बैकग्राउंड मेरे पास जो रखा है वो बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे इन करवाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड को ले लिया। ठीक है, बैकग्राउंड लेने के बाद जो भी मैंने रिकॉर्ड किया था ये वाला ग्रीन स्क्रीन, मैंने इसको यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए चलते हुए जा रहा है, जिस तरीके से आपको दिख रहा था कि मैंने इस पर इस कैरेक्टर के ऊपर मैं तीन एनिमेशन किया था, तीनों एनिमेशन यहाँ पर हमारा तैयार है। थोड़ा सा इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से एक एनिमेशन ये था जो कि दिख रहा था कि एक वापस फिर आ रहा था, एक एनिमेशन ये दिख रहा था जो कि थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो एक पानी के पास में आ गया जो कि बोलने वाला एनिमेशन था। तीनों एनिमेशन को मैंने थोड़ा थोड़ा कट कर दिया और बैकग्राउंड के साथ में इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। जिस तरीके का आपका स्क्रिप्ट स्टोरी रहेगा उस तरीके से आपको बैकग्राउंड भी इस तरीके से डालते जाना है। तो यहाँ तक मैंने इसको डाल दिया डालने। तो अब मैं इस पर क्या करूँगा, अब यहाँ से देखिए यहाँ पर जो भी मेरा ये वीडियो था, ठीक है, यहाँ पर मैंने जो वहाँ पर आपने देखा था जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो बिल्कुल चुपचाप किया था। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करना है, जो कि मैं बाद में कर लूँगा। वॉइस ओवर वो समझना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, चूँकि उसमें आप किसी देखिएगा वॉइस ओवर आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी अभी बिल्कुल वही पार्ट है जो ये कुछ बोलते हुए जा रहा है। तो बोलते हुए अगर जा रहा है तो कुछ भी आप बोल सकते हैं कि मैंने 10 तरीके का तालाब देख लिया मगर मुझे कहीं भी मछलियाँ नहीं मिली, अब मैं कहाँ जाऊँ, मैंने तो कई ढेर सारा तालाब वगैरह देख लिया, अब पता नहीं मैं घर जाके कैसे क्या कहूँगा, क्या जवाब दूंगा। उसके बाद फिर ऐसे ही आगे जाता है। यहाँ पे वो इस नदी के पास आता है मछुआरा, तो देखता है कि यहाँ पे सिर्फ छोटी मछलियाँ, जो बड़ी मछलियाँ थी जो जल भरियाँ थी वो पानी के अंदर में थी, इसलिए उसे नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने सुन रखा था कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। मछुआरा यहाँ पे देखता है और देख करके चला जाता है कि वो दूसरे दिन आकर के फिर से चेक करेगा कि यहाँ पे छोटी मछलियाँ के साथ साथ बड़ी मछलियाँ हैं कि नहीं। और यह देखने के बाद जितनी जलपरियाँ रहती है वो सारी जलपरियाँ डर जाती है, जैसे कि आप देख सक रहे हो कि सारे जलपरियाँ एक जगह पर हो गई, पहले यह दूर दूर में थी और अभी सारे डर करके सहम करके बिल्कुल पीछे आ गए, इस तरीके से आ गई। ये इसलिए आ गई क्योंकि मैंने जैसे एनिमेशन किया था उस तरीके से मैंने सबको रिकॉर्ड करके एक साथ किया था, जिसकी वजह से यह वीडियो अभी इतना अच्छा लग रहा है देखने में आपको। ठीक है, यहाँ तक ये देखने के बाद फिर क्या होता है कि ये मछुआरा जो यहाँ से अपना चला जाता है। ठीक है, अब इसमें जो मछुआरा है वो मछुआरे को यहाँ से जाना था, तो मछुआरा को हम लोग यहाँ से हटाएंगे कैसे, तो यहाँ पे हम लोग उसको अब हम लोग को एनिमेशन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये पोजीशन था मछुआरे का वो यहाँ पे आकर के रुक जाने वाला पोजीशन था। ठीक है, तो अब यहाँ पे मछुआरे को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एनिमेशन दूंगा इसको चले जाने का। तो एनिमेशन मैं कैसे दूंगा, यहाँ तक जैसे कि जितना दूर तक है यहाँ तक ये आ करके रुक जाता है बोल करके अपना। ठीक है, यहाँ तक ये थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ तक ये रुक जाता है आ करके।
ठीक है, यहाँ तक ये हमारा मछुआरा यहाँ तक रुक जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कट मार्क दे सकते हैं या फिर एक एनिमेशन इसमें हम लोग और ऐड करेंगे जो कि मछुआरा जाता है। तो चलो वो ऐड हम लोग कहाँ से करेंगे, तो यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट करके इस तरीके से हम लोग हटा देंगे। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। अब वापस से हम लोग जाएंगे गैलरी में, और गैलरी में हम लोग चलने वाला जो मोशन है उस मोशन को यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। तो हमारा जो ग्रीन स्क्रीन का जो हमने बनाया था उसको मैं गैलरी से फिर से यहाँ पे एक बार ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक दूसरा ग्रीन स्क्रीन ये वाला यहाँ पर ऐड कर लिया। ठीक है, अब इसको हम लोग उसी जगह पर सेट कर देंगे जिस जगह पर पहले जो ये कार्टून था हमारा। तो ये यहाँ पे कार्टून खड़ा है, और यहाँ थोड़ा सा आगे कर देंगे तो ये कार्टून यहाँ पे हो गया। अब ये चलने वाले मोशन पे इस तरीके से हो जाएगा। एक बार हम लोग इसको प्ले कर लेते हैं और इसको चला लेते हैं, देखते हैं कि अभी चल रहा है या नहीं। देख सकते हैं कि ये हमारा जो एनिमेशन है वो इस तरीके से चलते हुए जो पार हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर दूसरा स्टोरी ये करेंगे कि जब ये चला जाता तो मछलियाँ कुछ बात करेंगी। तो वो बात करते हुए अब उसको हम लोग दिखाते हैं, थोड़ा बड़ा करके थोड़ा सा और अच्छे तरीके से उसको दिखाते हैं। जब वो मछुआरा चला जाता है तो फिर ये मछलियाँ आपस में बात करती है, और बात क्या करती है, अब ये मछलियाँ कहती है कि ये मछुआरा तो कल फिर से आएगा और मुझे पकड़ करके ले करके चला जाएगा, मुझे नहीं मतलब यहाँ पे जितनी जलपरियाँ हैं सबको, तो सबको लेके यहाँ से चला जाएगा। जिस पे कि इस तरीके से मैंने थोड़ा सा एनिमेशन किया, और इस पे मैंने वॉइस भी ऐड किया, रिकॉर्ड किया, उसको एक बार आप लोग भी सुन लीजिए कि किस तरीके से ये बात करिए, और उस तरीके से भी आप उसी तरीके से मिला जुला भी आप कर सकते हैं। एक बार मैं आपको रिकॉर्ड सुना देता हूँ। तुम लोगों ने सुना कि ये मछुआरा क्या कह रहा था, ये मछुआरा कल फिर से आएगा इस नदी में, आज तो हम लोग बच गए। ठीक है, इस तरीके से मैंने बोला, और इसमें एक बैकग्राउंड म्यूज़िक को भी डाल दिया। बैकग्राउंड म्यूजिक इस तरीके से आपको YT स्टूडियो से बहुत सारा बैकग्राउंड म्यूज़िक मिल जाएगा, सैड, हैप्पीनेस, जिस तरीके का म्यूज़िक चाहिए आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आप मुझे भी सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट कर देंगे कि मुझे इस तरीके का म्यूज़िक चाहिए, इस तरीके का कैरेक्टर चाहिए, जो भी चीज़ मुझसे हेल्प चाहिए मैं हर एक चीज़ दूँगा, कोई से भी पैसा चार्ज मैं नहीं करता हूँ। बस सिर्फ आपको करना यह है कि सब्सक्राइब करना है, वीडियो को करना है लाइक, एंड एक कमेंट पर डाल देना है कि आपने मुझे सब्सक्राइब कर दिया, एंड वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए ला सकूं। ठीक है, इस तरीके से मैंने डाल दिया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस वीडियो को मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इसको मैंने जूम किया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा जूम हो रहा है, जैसे कि आपने वीडियो के मेरे स्टार्टिंग में ही देखा था उस तरीके से मैंने यहाँ पर जूम कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है कि अब सारी मछलियाँ हैं, जैसे कि आपने मेरे स्टार्टिंग वीडियो में देखा था कि सारी मछलियाँ चली जाती, एक बच जाती है, और वहाँ पे मैंने फिर बताया था कि एक मछुआरा फिर जो है वही मछुआरा दूसरे दिन आता है और इसको जलपरी को पकड़ करके लेके चला जाता है। तो अभी मैं इसमें जलपरी को मछली के मछुआरे से जाल को नदी में कैसे फेंकवाऊँगा, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका आजमाना है, बहुत सिंपल सा तरीका यूज़ करेंगे, और वो क्या करेंगे वो समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग जैसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ अब तक देखिए अभी इसके हाथ में जाला दिख रहा है आपको, ठीक है, बट इसके हाथ में भी थ्रो करने वाला, कुछ फेंकने वाला इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से फेंकने वाला। तो अब तो थोड़ा सा इसमें हम लोग कमाल क्या करेंगे, थोड़ा सा चलाके क्या करेंगे कि इसके हाथ में जब तक जाला है, इस तरीके का एनिमेशन मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि किस तरीके से मैंने ऐसा किया था। अब हम लोग जाला फेंकने वाला काम करते हैं। थोड़ा सा इस वीडियो को हम लोग थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ाएंगे, हल्का सा पहले देख लेंगे कि हाथ में जाला कब तक, ये कब फेंक रहा है। तो यहाँ तक देखेंगे तो यह जाला यहाँ पे फेंक रहा है, तो यहाँ पे हमें अपने वीडियो को कर देना है स्टॉप। स्टॉप करने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इस कार्टून को देख लेंगे कि कहाँ तक हमारा कार्टून सेट हो रहा है, ठीक है, उसके अनुसार ही फेंकना है। अब यहाँ करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एक जाला जो मैंने PNG फाइल में बना करके रखा था उस PNG फाइल को उठा करके हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। तो PNG फाइल जो भी मैंने बना के रखा था उस PNG फाइल को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास PNG फाइल है ये वाला, इस फाइल को मैंने यहाँ से उठा लिया। ठीक है, अभी एक मेरे पास जाला आ चुका है, इसको आप सेट करेंगे जहाँ जैसे हमारा जलपरी है उसके अनुसार। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसको सेट किया तो ये जलपरी जो है अभी इसके साथ में चले गए। थोड़ा सा बड़ा करना है बड़ा कर लीजिए, छोटा करना है छोटा कर लीजिए। ठीक है, और क्या करेंगे अब हम लोग इसको, ठीक है, अगर थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा अच्छा करना है इसको, तो यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने इसको लाया और यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे फेंक दिया। ठीक है, थोड़ा सा एनिमेशन अगर आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप एनिमेशन ज़रूर दीजिए, क्योंकि एनिमेशन जितना अच्छा रहता है वीडियो उतना अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे खड़ा कर दिया। ठीक है,
यहाँ पे खड़ा करने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, एक की फ्रेम दिख रहा है, इस की फ्रेम पे यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इस जाले को ऐसे आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे इसको प्लस पे क्लिक कर देंगे, और उसके बाद इसको यहाँ पे लेकर के आएंगे। यहाँ पे लाने के बाद वीडियो को पूरा कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे हल्का सा और आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे ला करके की फ्रेम यहाँ पे दे देंगे। अभी मछली थोड़ा सा नीचे आ गई है, तो अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा जाला को इस तरीके से हल्का सा बड़ा कर लेंगे, एक बार और रोटेशन कर लेंगे, और यहाँ पे इस मछली के साथ में इसको ला करके यहाँ पे थोड़ा सा नीचे में इस तरीके से सेट कर देंगे, और यहाँ पे की फ्रेम ला करके यहाँ पे हम लोग कर देंगे स्टॉप। एक बार हम लोग एक बार इसको प्ले करके देख लेते हैं। बिल्कुल आपने देखा कि बिल्कुल मस्त तरीके से, कितना सुंदर तरीके से ये जाला यहाँ से आया और इसके ऊपर में आकर के ये पकड़ा गया, ठीक है, और बस यहाँ तक आता है, इसको उठाता है, उठा करके ये पकड़ता है, पकड़ करके ले करके चला जाता है। तो इस तरीके से जितना दूर तक आपका सारा एक्टिविटीज़ कंप्लीट होता है वहाँ तक रखिए, अदरवाइज़ फिर जितना भी वीडियोज़ हैं वो आप डिलीट मार करके हटा सकते हैं, ऐसे जो भी बेकार पार्ट है। कहाँ तक हमारा बेकार पार्ट है, जहाँ तक मैंने बोला था कि मछली को लेकर के वो चला जाता है या फिर जो भी वो मर जाता है, जैसा भी मैंने बोला था उस तरीके के बाद जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ाएंगे, यहाँ तक हम लोग देख लेंगे, और यहाँ से इसको कर देंगे यहाँ से ट्रिम, और कहाँ तक हटाएंगे, जहाँ तक मछुआरा रहता है और वो जाला लेकर के जाता है, मछुआरा हमारा यहाँ तक मछुआरा, यहाँ से मछुआरा जो है वो चला जाता है। तो यहाँ से इसको कर देंगे ट्रिम, राइट करके हटा देंगे, और अपने जाले को कर देंगे थोड़ा सा छोटा, इस तरीके से हम लोग इसको सेट कर लेंगे। बस आपका वीडियो जो है वो बन करके कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। एक बार मैं आवाज़ कम कर देता हूँ, आवाज़ कम करके एक बार आपको सुनाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से ये एनिमेशन, ये वाला एनिमेशन आपको समझ में आए। मैंने एक पिक्चर से एनिमेशन किया है, वो भी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। एक बार प्ले करके सुना देता हूँ, ठीक है। देखा आपने कितने मस्त तरीके से ये आया जाल और इसके ऊपर में आकर के गिर गया, और ये मछली जो है वो हमारा ख़त्म हो गया, सारा स्टोरी हमारा क्लियर होता। तो उम्मीद करता हूँ कि अब ये वीडियो को आप ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, क्योंकि मैंने भी एक कार्टून चैनल स्टार्ट किया है। मेरा एक सब्सक्राइबर था जिसका अभी बोर्ड का एग्ज़ाम है, जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो हम लोग दोनों साथ में काम करने वाले हैं, हम लोग एक दूसरे को कोलैबोरेट करेंगे और हम लोग एक साथ काम करेंगे। उसके कहने की वजह से ही मैंने एक कार्टून वाला चैनल स्टार्ट किया है, जिसपे मैं सारे कार्टून्स वाले स्टोरीज वीडियो डालना स्टार्ट करूँगा, वीडियो बनाऊँगा भी, वीडियो आपको बनाना सिखाऊँगा भी, और वो वीडियो को मैं अपने दूसरे चैनल पर डालूँगा भी, जो कि मेरे दूसरे चैनल का नाम है निम्मो टून टीवी, जो कि मेरे सब्सक्राइबर ने ही बताया था कि आप एक चैनल स्टार्ट कीजिए, तो उसके कहने पे मैंने चैनल स्टार्ट किया है, और वो भी अभी एग्ज़ाम जब ख़त्म होगा तो उसका भी एक चैनल स्टार्ट होगा, उसका भी वीडियो बहुत अच्छा है, मैंने देखा है, उसका तरीका बहुत अच्छा है, आप लोग भी उसका वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो गाइस आप अभी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आने वाले समय में अभी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा तहलका इस तरीके के कार्टून्स वाले वीडियोज़ में मिलने वाला। तो गाइस थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। बात कर लेते हैं कि जो भी मैंने बैकग्राउंड वहाँ पे यूज़ किया था, जो पानी देखा था आपने कि वो पानी मूव कर रहा है, तो वो पानी मूव कैसे करेगा, किसी भी तरीके का मूविंग आपको अगर किसी पिक्चर में देना तो आप करवा सकते हैं। एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने पड़ेगा जिसका नाम है मोशन लिप्स, इसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको इसी तरीके से मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, जैसे ये एप्लीकेशन ऑन होता है यहाँ से आपको एनिमेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर सिलेक्शन अपना करना है, जिसके लिए आपको ये पाथ जो लिखा हुआ है, इस पाथ पे जैसे आप क्लिक करेंगे और आपको सिंपल तरीके से इस तरीके से डालते जाना है, बस ऐसे करके डालते जाइए, कहीं भी जैसे डालना है आप डाल दीजिए, ठीक है। डालने के बाद फिर जब आप एक बार प्ले करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये सारा कुछ मूव कर रहा है, बट हमें मूव क्या करवाना है, हमें सिर्फ पानी मूव करवाना है। तो जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एंकर दिख रहा है, इस एंकर पे आपको क्लिक करना है और इस तरीके से फ्रेम अप्लाई कर देना है, इस तरीके से आपको फ्रेम डालते जाना है जो जिसको आप मूव करवाना चाहते हैं उसके नीचे में ही। अब एक बार हम लोग प्ले करके देख लेते हैं, तो अभी आपको दिख रहा है कि ये पानी जो है इस तरीके से कुछ चल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका पानी का स्पीड जो थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो जिसके लिए हम लोग यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पानी का जो मूव है वो इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ये पीछे बादल जो दिख रहा है उसको भी आप चाहते हैं कि थोड़ा सा वो भी मूव करे, तो उसको भी इस तरीके से आप मूव करवा सकते हैं। एक बार प्ले करके देख लीजिए कि ये पूरा मूव हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एंकर लगा करके ये सब सबको बंद कर देंगे और सिर्फ क्या मूव करवाएंगे, हम लोग सिर्फ बादल को मूव करवाना चाहते हैं। तो अब देखिए, अब सिर्फ सारा पेड़ जो है वो रुक गया, सिर्फ बादल चल रहा है,
पानी चढ़ रहा है। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारा एनिमेशन दिया हुआ है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, इसको ट्राई आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे स्काई पे अगर हम चले जाते हैं, स्काई चेंज करना है, तो पीछे आप देख सकते हैं कि इस तरीके के स्काई का भी कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। इस तरीके से भी कलर आपका पीछे का बैकग्राउंड चेंज होगा। इस तरीके से आप यूज़ करके किसी भी पिक्चर पर अपना बैकग्राउंड पर इस तरीके का इमेज अप्लाई कर सकते हैं और अपना खुद का एक बैकग्राउंड तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर मैंने क्या किया था, एक ग्रीन स्क्रीन मछली को लिया था और यहाँ पर डाल दिया था मैंने, ठीक है, इस पानी में ही डाल दिया था। पानी में डालने के बाद ग्रीन स्क्रीन का मैंने क्रोमाटोन्स अप्लाई कर दिया और ग्रीन स्क्रीन हट गया और मछली जो थी यहाँ पे, मेरे मछली पानी जो यहाँ पे भी चल रहा है, जो पिक्चर था इसी में पानी मेरा चलने वाला पानी था और उस पर मछली आ गई, जिसपे कि लग रहा था ऐसा कि पानी जो है पानी के साथ में मछली चल रही। तो वो ग्रीन स्क्रीन के सारे वीडियोस, जिस तरीके का क्लिप है, कुछ भी चाहिए, हर एक चीज़ मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। मेरा सेकंड चैनल है, मेरे सेकंड चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, ग्रीन स्क्रीन में बहुत सारा इस तरीके का वीडियोज़ डाला है, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कीजिए। उस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और उसके सब्सक्राइबर लेने के बाद आप लाइफ टाइम ग्रीन स्क्रीन के सारे वीडियोस वहां से यूज़ कर सकते हैं, जबकि सारा का सारा फ्री कॉपीराइट्स वीडियो है। तो गाइस थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।